अनसीन दिल्ली पार्ट 4। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग सारे? उत्तर रीच में आ गया हूँ, गेट नंबर 1 से मैंने एग्जिट ले लिया है। बाकी हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं वो मैं आपको बताता हूँ रास्ते में, तो चलिए मेरे साथ। गाड़ी स्टार्ट कर। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। और ये यश स्टेशनरी वाला कार सीधा आपको लेके जाएगा डेस्टिनेशन। हाँ जी, तो दिल्ली कुतुब मीनार के बारे में कितने सारे लोग जानते हैं? अगर मैं ये सवाल पूछूं तो शायद मुझे बेवकूफ़ समझ जाएगा, क्योंकि हर किसी को उस कुतुब मीनार के बारे में पता है, हर कोई उस कुतुब मीनार के बारे में जानता है। और वो इतनी फेमस है कि अपने इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा जो मोनूमेंट कमाते हैं उसमें हमारी कुतुब मीनार नंबर 2 पे आती है। नंबर 1 पे आता है हमारा ताजमहल। और ये कुतुब मीनार इतनी फेमस है कि आप कहीं से भी आते हों, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से, आप कुतुब मीनार को देखेंगे ही देखेंगे। और सैटरडे हो या संडे हो, ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे मोनूमेंट पर सैटरडे संडे आपको भीड़ मिलेगी, लेकिन दिल्ली की कुतुब मीनार के अंदर आपको हर दिन भीड़ मिलेगी, हर दिन आपको लोगों की तादाद मिलेगी बहुत भारी मात्रा में। अच्छा चलिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दिल्ली में एक नहीं बल्कि 2 कुतुब मीनार हैं, तो आपको कैसा लगेगा सुन के? आई नो अजीब लगेगा ना कि यार एक कुतुब मीनार तो हमने देखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली में 2 कुतुब मीनार हैं, एक जो बहुत वर्ल्ड फेमस है और एक जिसके बारे में सिर्फ मुट्ठी भर थोड़े से लोग जानते हैं। जी हाँ, आज मैं उसी कुतुब मीनार के बारे में बात करूँगा, उसी कुतुब मीनार को आप तक पहुँचाऊँगा। ये कुतुब मीनार है हमारे उत्तम नगर के हदसल गाँव में, जहाँ मैं अभी आया हूँ। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं, और आप बने रहिए, व्लॉग को एंड तक देखिए और एंजॉय करिए और जानिए इस कुतुब मीनार के बारे में। दिल्ली अधिकांश मुगलकालीन वास्तुकला से भरा शहर है। कुछ ऊंचे रह गए, कुछ गुमनामी में खो गए, तो कुछ समय के प्रकोप का शिकार हो गए। हदसल गांव में खड़ी यह मीनार एक ऐसी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्मारक है जो गुमनामी में डूब गई। इसे इस हद तक भुला दिया गया कि आस पड़ोस के स्थानीय लोगों को भी इसकी मौजूदगी के बारे में आज पता नहीं चलता। मिनी कुतुब मीनार उत्तम नगर के हदसल गांव में एक मीनार है। इसे हस्त मीनार, कौशल मीनार, हस्तसाल मीनार या छोटा कुतुब मीनार के नाम से भी जाना जाता है। मीनार के बारे में बात करें तो इसे कुतुब मीनार को देखकर ही तैयार किया गया था। कुतुब मीनार की तरह ही इस मीनार के अंदर एक पतली सीढ़ी है जो ऊपर की ओर जाती है। शुरुआत में ये मीनार 5 मंजिल की हुआ करती थी और इसकी सबसे ऊपर मंजिल पर एक गुंबददार छतरी हुआ करती थी, जहाँ हमारी दिल्ली वाली कुतुब मीनार 73 मीटर यानी 239 फीट के आसपास है, वहीं हमारी उत्तम नगर वाली कुतुब मीनार 17 मीटर के आसपास यानी 55 फीट है। और दिल्ली वाली मीनार जो आज 5 मंजिला है, वहीं उत्तम नगर वाली मीनार 3 मंजिला है। और इन दोनों ही मीनारों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि ये दोनों ही मीनारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं। ऐसा माना जाता है कि ऊपरी 2 मंजिले और गुंबददार छतरी 18वीं शताब्दी में ही नष्ट हो गई, लेकिन जो आज बची हुई मीनार के हिस्से हैं वे भी अच्छी स्थिति में नहीं हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पर कुछ अच्छी हुई है कि यहाँ के माशाल्लाह अभी तक ऐसा नहीं हुआ, पड़ोस में वालों को जैसे पता चला कि मैं वीडियो बनाने आया हुआ हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए यहाँ चाय भेजी है। देखिए
चाय आइए, पड़ोस से चाय बन के आइए, क्योंकि सारे घर हैं आसपास और इतना पास पास है, देखिए बिल्कुल पास में ही घर है। इस घर से इन्होंने चाय भेजी है बना के। चाय का तो मैं शौकीन वैसे ही हूँ, मेरे कलर से पता लग रहा होगा आपको मैं कितना शौकीन हूँ चाय का। तो चलिए चाय पीता हूँ, उसके बाद बाकी का काम करते हैं। हस्तसाल का अर्थ होता है हाथियों की विश्राम का, जिसकी वजह से इसका नाम हस्तसाल पड़ गया। कहा जाता है कि ये जगह अपने आप में बहुत बड़ा घना जंगल हुआ करती थी, जो वनस्पति और वन्य जीवन से भरपूर थी। हस्तसाल पूरा का पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ करता था और यह वही स्थान था जहां राजा की सेना के हाथी स्नान किया करते थे और उसके बाद आराम किया करते थे। आज तक आपने कोई भी मॉन्यूमेंट ऐसा नहीं देखा होगा जिसके इतनी पास घर होंगे कि सिर्फ आपकी एक हाथ की दूरी पे। कोई भी मॉन्यूमेंट आपने ऐसा नहीं देखा होगा। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा मॉन्यूमेंट देखा जो बिल्कुल मेरे एक राइट हैंड साइड मॉन्यूमेंट है। अगर मैं लेफ्ट साइड करूँगा तो सीधा का सीधा घर है और कोई एक तरफ घर नहीं है, चारों तरफ घर बने हुए हैं, चारों तरफ। पता नहीं कैसे बस ये बची हुई है मीनार, या तो ये इसलिए बची हुई है क्योंकि ये खड़ी हुई है अभी तक, या तो ये जिस दिन गिर गई मुझे लगता है यहाँ भी एक आध मकान बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल चारों तरफ मकान ही मकान है और ऐसा नहीं सिमेट्री वाइज बने हों कि एक जगह है वो घेरी गई हो, जिसको जैसे मिला उनने वैसे घेर लिया। किसी की दीवार इतनी बाहर है, किसी की बिल्कुल मकान अंदर है, लेकिन ये है कि चारों तरफ से ये मॉन्यूमेंट घरों से घिरी पड़ी है। पता नहीं पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इंडिया है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अजीब लग रहा है कि यार कैसे सर, ये थोड़ी सी जगह है जिस पर मैं चल रहा हूँ भाई, इतनी सी ये जगह है, इस पर आप घूम सकते हैं भाई, इतनी ये जगह है, उसके बाद सारी की सारी जगह घिरी हुई है। और पता नहीं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ये भी जगह मिले या ना मिले। वैसे तो इस जगह में अंदर जाना बिल्कुल मना है किसी भी आम नागरिक के लिए, ऊपर जाना बिल्कुल मना है। महीने के 3 या 4 बार ये ताला खुलता है और जो सफाई कर्मचारी हैं बस वही लोग अंदर जाते हैं और उसके बाद फिर ये ताला बंद हो जाता है। दिल्ली की कुतुब मीनार की तरह ही इस मीनार में एक पतली सीढ़ियाँ हैं जो सीधा आपको ऊपर की ओर ले जाती हैं। दरवाज़ा बंद होने के कारण मेरे कैमरे से जितना भी आपको मैं दिखा सकता हूँ उतना दिखाने की कोशिश करता हूँ। दशकों की अपेक्षा और रखरखाव की कमी के कारण मिनी कुतुब मीनार आज खतरे में है। ये प्राकृतिक तत्वों और इस जगह के आसपास हो रहे नए निर्माणों के अतिक्रमण दोनों से खतरे में है। ये इमारत आज पूरी तरह से बेतरतीब बने घरों, इमारतों और नए निर्माणों से घिरा हुआ है। हालांकि 20वीं सदी के इतिहासकार जफर हसन, जिन्होंने इस मीनार का दस्तावेजीकरण किया, वे इस बात से असहमत हैं कि मीनार कभी 5 मंजिला ऊंची थी, मगर जब हम इसके टूटे हुए ऊपरी हिस्से और ऊपर जाती हुई सीढ़ियों को देखते हैं तो वो कुछ और ही बयां करती। तो आपसे बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इतनी जब मेहनत हो ही रही है तो आपकी तरफ से भी इतना होना चाहिए कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं मैं क्या और अच्छा कर सकता हूं, एंड शेयर करें इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो लोग घूमने के शौकीन हो। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें जरूर। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलता हूं आपसे नए वीडियो में बहुत जल्द फिर से कुछ नया लेके।